सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेनमो केमिस्ट्री। सो आज सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है क्या, हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद एक और आया क्या, क्वेश्चन सीरीज आएगा, इसी में ऐड होगा। मतलब अभी जितना भी हम पढ़ाए हैं सब पे क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन का एक लेक्चर बन जाएगा, करीब करीब वही आधा घंटा या 20 मिनट के करीब में, और उसको आपको कंप्लीट देख लेना है। तो एक तरह से ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट पैक्ड हो जाएगा, ठीक। तो 15 क्वेश्चन उधर हो जाएगा, अगर मानते हैं 15 क्वेश्चन लिए तो 15 क्वेश्चन उधर, और हर एक लेक्चर में हम दो दो क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगर बात करते कहीं ना कहीं तो अगर 7-8 लेक्चर हो रहा है तो 16 क्वेश्चन इधर हो जाएगा। तो कह देंगे आपका 30-32 क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ आपके वीडियो से बन रहा है। उसके बाद आप NCERT सॉल्व कीजिएगा और आप अपना नीट हो या JEE का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, राइट। तो ये हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्या, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ। तो ये रहा आपके सामने क्या, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ, राइट। अब बात करते हैं क्या, पहला बात कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी को हम दो सॉल्युबिलिटी हमको क्या, टू पार्ट में इसको हम डिवाइड किए, दोनों हमको पार्ट पढ़ना ही है। पहला क्या है मेरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। पहला क्या, आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का किसमें, लिक्विड में। दूसरा क्या है, गैस का किसमें, लिक्विड में, राइट। ये हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे पहले बात करते हैं क्या सॉल्युबिलिटी के बारे में होता क्या है, ठीक। सॉल्युबिलिटी तो नाम सही है, सॉल्युबिलिटी मतलब हाउ मच सॉल्युबल, कहने का मतलब हम सिंपल इसको तोड़े, सॉल्युबल कितना सॉल्युबल है किसी भी सॉल्यूशन में। जैसे इसको हम बोल सकते हैं क्या कि इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। इसको हम सब तब तक सर्किल कर दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगा आपका इस तरह से क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे हम क्या बात कर रहे हैं, क्या सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, एक स्पेसिफिक अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस कितना सॉल्युबल है। जैसे हम बात करें, जैसे हम हालांकि आपको बता दें यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है, यूनिट मतलब सॉल्युबिलिटी है ना, तो जैसे हम बोल सकते हैं क्या ग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, पर लीटर भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से कंसंट्रेशन कहने मतलब कि अगर देखा जाए तो एक लीटर में, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लीटर में कितना ग्राम सॉल्युबल है, बस यही क्या है मेरा। मतलब क्या हो गया आपका, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका सॉल्वेंट फिक्स हो गया, मतलब इसको फिक्स, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपका सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो सॉल्यूट है या जो सब्सटेंस वो कितना डिजॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मोल पर लीटर, मतलब एक लीटर में कितना मोल है, ठीक। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। जैसे कि यही हो गया आपका एग्जांपल, 1 लीटर में कितना मोल उसका डिसॉल्व है किसी भी सब्सटेंस का, राइट। तो ये क्या होगा आपका सॉल्युबिलिटी, इसका यूनिट 2 हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और एक और होता है क्या, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में क्या हो गया, एक तरह से पार्ट ऑफ द क्या आपका सॉल्यूशन है। कैसे, इसमें अगर निकालना चाहें हम ए का निकालना चाहें, क्या लिखते हैं, एन ए बाई
एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोल में कितना मोल उसका डिजोल्व है। यहाँ भी तो वही है कि एक लीटर मतलब एक लीटर सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट होगा, उसमें टोटल मोल में कितना मोल वो क्या है, डिजोल्व है। तो ये हार्ड नहीं था, बस ये थोड़ा सा नॉलेज था, बस आपको जानना था। और ये आपका इसका डिफिनेशन हो गया, किसका, सॉल्युबिलिटी का, राइट, ये हो गया। और आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है, क्या सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्युबिलिटी आपका डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है आपका, पहला नेचर ऑफ सॉलिड, दूसरा ये पहला हो गया ये, दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा प्रेशर पे, किस पे, प्रेशर पे, ठीक। ये हो गया आपका क्या, सॉल्युबिलिटी का ये, ठीक। तो यूनिट ध्यान रख सकते हैं इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी का, ये दूसरा ये और तीसरा ये, राइट। ये आपका क्या हो गया, एक तरह से सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन यहाँ पे हम बात कर लिए। अब बात करते हैं क्या पहला इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक। तो सॉलिड, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या आपका सॉलिड है, ये क्या आपका लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है ये क्या आपका सॉल्यूट है। तो ये इस टाइप का जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हो गया, राइट। अब बात करते हैं, ये तो हो गया, अब बात करते हैं क्या इसके नेचर पे, कौन मतलब ये बात किया ना, नेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक। अब बात करते हैं नेचर पर कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, हम वो बात करेंगे, राइट। फिर उसके बाद टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर क्या, प्रेशर पे। तो आपको बता दें पता क्या है मेरा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक, मतलब कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। तो पहला ये है, तो NaCl और शुगर, आपको पता है ये वाटर में क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक। लेकिन यही आपका बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता है, बेंजीन में डिजोल्व नहीं होता है, डिजोल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या नेचर डिफरेंट है। अब बताएंगे इसको हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे अभी। इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेपथैलीन, क्या नेपथैलीन, नेपथैलीन और एंथ्रासीन ले सकते हैं, एंथ्रासीन, ठीक, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, नेपथैलीन और एंथ्रासीन। ये क्या होता है आपका, ये आपका बेंजीन में, क्या बेंजीन में डिजॉल्व होता है, जबकि आपका किस में डिजॉल्व होता है, बेंजीन में, बेंजीन में, बट ये आपका इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, किसमें, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, डिजॉल्व नहीं होता, राइट। ये हो गया आपका पता क्या कि शुगर और क्या आपका ये सोडियम क्लोराइड वाटर डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों क्या हुआ, बेंजीन डिजॉल्व है, लेकिन इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। अब बात रहा कि यहाँ पे क्यों नहीं होता है, तो अब सबसे सिंपल सा आंसर दे क्या कि नेचर दोनों का सेम नहीं है, मैं सॉरी इस दोनों का नेचर सेम है, इस दोनों का नेचर सेम नहीं है, और फिर इस दोनों का नेचर सेम है और इस दोनों का नेचर सेम नहीं है। तो आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि हमको कैसे पता कि इस दोनों का नेचर सेम है और इस दोनों का नेचर सेम नहीं है, वही केस इसमें भी। आपको बता दें नेचर सेम मतलब क्या करने है? मतलब यहाँ पे दो टर्म आएगा आप क्या, पोलर और क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर मीन्स क्या, जिसका डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट, इस पर क्या जाएगा आपका म्यू कितना होना चाहिए, जीरो, इसमें क्या म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, यही क्या होगा पोलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको उठाते हैं NaCl, NaCl क्या है आपका आयनिक सॉलिड है, वो पता है आयनिक सॉलिड क्या होता है आपका, पोलर होता है, क्या होता है, पोलर, यहाँ पे क्या है वाटर, वाटर भी क्या है पोलर, तो देख सकते हैं ठीक, यहाँ पे इसको देख सकते हैं क्या Na प्लस Cl माइनस, तरह से यहाँ पे आयन्स क्रिएट हो गया ना, तो क्या हो गया ये पोलर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पोल क्या होगा क्या आयन्स क्रिएट हो रहा है, मतलब सिंपली आयनिक सॉलिड क्या होगा आपका पोलर हो जाएगा, ये दोनों क्या है पोलर।
तो कहने का मतलब कि अगर सेम नेचर होगा तो हम बोल सकते हैं क्या इस दोनों का, मतलब इसका और इसका, ये क्या है, इसका सेम नेचर है, सेम नेचर है। और इसका मतलब इसका इसका क्या है आपका, डिफरेंट नेचर है। क्या है, डिफरेंट नेचर है। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉन पोलर। क्या है आपका, नॉन पोलर। ये क्या है आपका, पोलर है। तो पोलर हमेशा पोलर के साथ क्या करेगा, डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। तो अगर ये नॉन पोलर है, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर, और ये आपका क्या है, पोलर। तो नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर पोलर के साथ डिजॉल्व नहीं होगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे नॉन पोलर किसको बोलेंगे, जितना आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा ना, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड, आपको बस इतना ध्यान रख लीजिए, कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका हो जाएगा नॉन पोलर। मतलब म्यू उसका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा आपका। ठीक, उसमें आयंस क्रिएटिव नहीं होगा, तो उसका क्या होगा आपका, नॉन पोलर, सिंपल नॉन पोलर। ठीक, तो आप देखिए नेप्थेलिन हो या एंथ्रासीन हो या बेंजीन हो, ये तीनों क्या होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये हो गया आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक, तो आप देखिए अगर पोलर हो, पोलर होगा, पोलर होगा तभी क्या करेगा, डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा। एग्जांपल के लिए ये दोनों। ठीक, अगर नॉन पोलर होगा और नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, नॉट डिजॉल्व, नॉट डिजॉल्व। ठीक, आपको नेचर पता होना चाहिए, ठीक ना। तो सेम नेचर इसको बोल सकते क्या, सेम नेचर वाला डिजॉल्व होगा, और डिफरेंट नेचर वाला मतलब अपने नेचर वाले के साथ डिजॉल्व होगा, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ अब बात करें दूसरा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर कहने मतलब क्या, जैसे आपको बता दें ये क्या आपका, इसमें क्या आपका, इस तरह से ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। ठीक, सॉल्यूट क्या, यहाँ पे हम लिए सॉलिड लिए हैं। आपको पता है जितना टेम्परेचर इसको देंगे उतना ये हीट ज़्यादा होगा, उतना हीट ज़्यादा होगा तो उतना ये क्या होगा, उतना यार डिजॉल्व होगा। ये तो हम बात किए थे रॉल्स रोमिन साथ बात किए थे, ठीक ना, कि बोल सकते क्या, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब एक सॉल्वेंट हो, मतलब इसमें इसमें क्या आपका, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक ना, सॉल्यूट प्लस प्लस क्या हो, वाटर सॉल्वेंट हो, वाटर सॉल्वेंट हो। ठीक, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कि क्या हो, ये डिजॉल्व होगा, क्या होगा, ये और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। आपको बस यही ध्यान रखना है कि पहला कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तो आपको क्या, सोलुबिलिटी भी इंक्रीज। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप नग पानी को घोलते हैं, ठीक, जब उसको आप हीट करते हैं ना तो वो जल्दी क्या होगा, डिजॉल्व हो जाता है, राइट। जब उसको फिर ठंडा करते हैं फिर क्या, नमक आके बैठ जाता है। यही टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, राइट, ये हो गया। दूसरा ये इंक्रीज तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इंडोथर्मिक, क्या, इंडोथर्मिक, राइट। दूसरा क्या, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, कब, इसका क्या हो जाएगा आपका, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ध्यान रहे ये कब का केस है, जब क्या हो आपका, एक सॉलिड हो प्लस, मतलब सॉलिड सॉल्यूट हो प्लस सॉल्वेंट, मेरा तो वाटर ही रहेगा, फिक्स ही है, सॉल्वेंट भी क्या है मेरा, लिक्विड हो, इस तरह से, मतलब ये वाला केस में बात कर रहे हैं। कौन वाला केस देखा जाए तो ये वाला केस, ये सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसमें हम बात नहीं कर रहे अभी, राइट। इसका केस अलग होगा, तो इस दोनों को अलग आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। हालांकि इसका हम बात नहीं किए तब इसका सोचिए ही नहीं, ठीक ना, सिर्फ आप इसका सोचिए, जब सॉल्यूट होगा, सॉलिड होगा क्या, सॉल्यूट, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या है आपका, कि अगर टेम्परेचर क्या, प्रेशर, प्रेशर, तब प्रेशर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट इफेक्ट, नॉट इफेक्ट
ऑन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो सॉल्यूट लिए हैं, क्या लिए हैं, जो सॉल्यूट लिए हैं वो क्या है आपका, जो सॉल्यूट लिए हो क्या है मेरा, वो आपका है इनकम्प्रेसिबल है। क्या है इन मतलब वो क्या आपका ये नहीं हो सकता है, वो कंप्रेस नहीं ना कर सकते उसको, सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, सॉरी सॉलिड है ना, इनकम्प्रेसिबल। ठीक, मतलब वहाँ पे बोल सकते क्या कि इसका जो इस पर क्या होगा, अनइफेक्टेड होगा, क्या होगा अनइफेक्टेड होगा। आपको जितना बता रहा है बस उतना ही ध्यान देना है, ठीक ना, कि प्रेशर पे ये कोई डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्या पहला पार्ट, कौन वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया, राइट। अब बात करते हैं क्या ये वाला पार्ट, कौन सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, राइट। तो इसमें सिंपल सा बात, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस कब बढ़ेगा, जब आपका प्रेशर बढ़ेगा। ध्यान रहे ये गैस का है, वो क्या था सॉलिड था, यहाँ पे गैस है, इससे पहले में क्या बात किए थे हम लोग, सॉलिड बात किए हैं, राइट। तो ये तो कब होगा, अब इसको कैसे समझेंगे कि आप कैसे मान लीजिए कि सर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसे देख सकते हैं। ये कोई बीकर है, इसमें क्या है आपका, जो आपका ये है जो ब्लू पेन से वो आपका क्या वाटर है, और जो आपका ये है रेड पेन से सर्कल टाइप का जो पॉइंट टाइप का दिया हुआ है वो क्या आपका, वो आपका हो जाएगा गैस है, ठीक। तो जब उस पर एक मतलब कि मान लीजिए क्या, एक छोटा सा कोई वेट रखा हुआ है, उस पर छोटा सा एक वेट रखा हुआ है, तो उसका क्या हुआ, उसका देखा जाए तो प्रेस जो गैस है वो इस तरह से क्या है डिस्पर्स है। आप जब उसी को बढ़ा दिए तो क्या हुआ, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये सब मॉलिक्यूल क्या होगा आपस में नज़दीक हो जाएगा, मतलब जब ये नीचे आएगा तो ये सब मॉलिक्यूल जैसे ये खसक के नीचे आया यहाँ पे, ठीक ना, तो ये क्या होगा आपस में मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गया। मतलब बोल सकते क्या कि जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं यहाँ तो एक तरह से फोर्स बढ़ रहा है ना, पता है फोर्स क्या होता है प्रेशर का, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्या होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर, क्या होता है फोर्स बाई एरिया होता है, क्या होता है फोर्स बाई एरिया। तो जहाँ पे अगर फोर्स बढ़ाएंगे वहाँ पे क्या बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पे फोर्स बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ इसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ सब क्या हुआ एक जगह जाके जमा हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल हो रहा है कौन गैस इस लिक्विड में। सिंपल सा बोल सकते हैं क्या कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब उसके बाद हेनरी लॉ है, वो क्या बोले देख लीजिए, आपको सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बोलते क्या द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज, ठीक। वही बताते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो है ना आपका पार्शियल प्रेशर वो बोले थे क्या मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन, राइट। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मतलब किसका, ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, किसमें इन अ लिक्विड, ध्यान रखिएगा गैस का है। तो इसको हटाने क्या यूज करेंगे हम लोग, के एच आता है यहाँ पे एक्स मोल फ्रैक्शन हो गया, ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन, और ये क्या आपका हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट हो गया, ये तो क्या पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक ये हो गया। देख सकते ये क्या है, ये बोल सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स है, फिर आप बना सकते हैं अब चाहे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक। ये जो एंगल होगा ये वाला क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका केएच हो जाएगा, क्या हो जाएगा केएच हो जाएगा, ठीक। ये तो हो गया प्रेशर पता, ये पता, अब बात रहे केएच का थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। केएच तो केएच क्या होता है, हेनरी कॉन्स्टेंट होता है, केएच क्या होता है हेनरी कॉन्स्टेंट, राइट। उसके बाद केएच आपका हेनरी कॉन्स्टेंट हो गया, उसके आप देख सकते हैं क्या हेनरी कॉन्स्टेंट और केएच जो होता है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस, मतलब केएच जो होता है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है।
तो सर इसको हम और अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसे आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि इसे हीलियम है, हीलियम गैस है, H2 गैस है, N2 गैस है और आपका O2 गैस है, राइट। और इस सब का अगर टेम्परेचर, ये सब क्या है, गैस है मेरा, राइट, ये सब क्या है मेरा गैस, ठीक। इसका जब केस देखा गया KH कितना आया मेरा, इसका आया 144.97, दूसरा 69.16, तीसरा 76.48, चौथा हो गया आपका कौन, O2 है ना, O2 का 34.86। कब, जब टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर आपका कितना था, 293 केल्विन था। कब, तो टेम्परेचर फिक्स होने पर क्या होता है, आपका गैस का KH क्या करता है, आपका चेंज करता है। तो बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि टेम्परेचर कांस्टेंट पर KH वेरी या डिफरेंट होता है, पहला पॉइंट, ठीक ना, ये हो गया। दूसरा क्या आप ध्यान रख सकते हैं, ये हो गया, और दूसरा ये तो समझ में आ गया ना आपका, आपको, ठीक, ये पॉइंट हो गया, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आपका केस क्या कर रहा है, एक तरह से फिक्स टेम्परेचर फिक्स पे क्या था, चेंज करता है, हर एक गैस का अपना अपना होता है, वही तो बताते हैं क्या, केस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, राइट। यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब तो और बात कर लेते हैं क्या इसके बारे में, तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये तो फार्मूला हो गया आपका, ये आपको इसको ध्यान रखना है, ये वाला, ठीक, ये फार्मूला हो गया इसका। अगर आप ये हो गया, अभी क्या ले लीजिए, एक से ले लीजिए मोल फ्रैक्शन, प्रेशर ले सकते हैं, आसान है, ये सब तो पता ही होगा, ये सब तो इतना बार स्टेप अगर आप पढ़ चुके होंगे कि आपको आसान लगा होगा। ये आपका हेनरी लॉ हो गया, राइट। अब बात करते हैं कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे ये तो हो गया ना, उसके बाद तो दूसरा पॉइंट बात कर लेते क्या, दूसरा आपका हो जाएगा, हम बात करें यहाँ पे, हम क्या बात किए थे अभी कि P=KH into मोल फ्रैक्शन, और मान लेते हैं क्या कि पी कांस्टेंट, क्या मान लेते हैं, पी कांस्टेंट होगा तो एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा जाएगा 1/KH, ठीक, 1/KH ना। तो अगर हम बात करें कि अगर गिवन प्रेशर दिया हो, क्या दिया हो, मैं प्रेशर फिक्स कर दिया, इस तरह से प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर गिवन दे दिया या कांस्टेंट रख दिया, उसमें क्या हुआ, KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट में डालिएगा, राइट, ये हो गया। अब तीसरा बात करते हैं क्या कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, तो ये गैस है, क्या है, देखा जाए तो एक तरह से ये गैस है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसका कम होगा। बोल सकते हैं क्या कि टेम्परेचर होगा इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन उसमें क्या था, इससे पहले वाले में उसमें था आपका कहाँ गया, ये वाला, उसमें क्या था आपका, यहाँ पे नेचर ऑफ द गैस, यहाँ पे उसमें क्या था कि जब किस में, उस वाले में कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा, लेकिन ये क्या आपका गैस वाला है, तो टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक। तीसरा, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ये आपको चार पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, हेनरी लॉ में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, ये हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इसका कुछ एग्जांपल के बारे में, तो समझ में आ गया ना, टेम्परेचर पे क्या करता है, ये आपका इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करता है, ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा गैस के केस में। अब हम बात करते हैं क्या इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ हेनरी लॉ का, मतलब वही गैस इन अ
लिक्विड फॉर्म वाला, राइट, लिक्विड गैस ही ना, लिक्विड। पहला क्या है आपका, जो आपका जो आप कोका कोला पीते हैं उसमें क्या होता है, जो जो बोतल होता है, हालांकि हमको पिक्चर उतना साफ सुथरा बनाना नहीं आता है, मेरा जो स्टूडेंट है उसको पता होगा मेरा ड्राइंग कितना अच्छा है, आप लोग जानते ही होंगे। ये हम ट्राई करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिक्चर तो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मान लीजिए, कभी तो ऐसा देखे नहीं होंगे, कोका कोला का बोतल चल के कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो सील होता है, उसमें सील होता है क्या होता है, उसमें CO2 क्या होता है, उसको काफ़ी CO2 जो होता है ना, उसको हाई प्रेशर में उसको क्या किया जाता है, उसको सील किया जाता है। एट हाई प्रेशर में क्या करता है, उसको सील किया जाता है, ठीक, सील किया जाता है। इसमें जब कोका कोला हम लोग जब खोलते होंगे तो देखते होंगे उसमें से क्या निकलता है, गैस बाहर निकलता है। उसके अंदर क्या होता है, CO2 काफ़ी अमाउंट में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है, उसको सील किया जाता है। जैसे इसको खोलते हैं तो क्या होता है, ये CO2 जो गैस बन के बाहर निकलता है, जो हम लोग बबल्स ग्रुप में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, जब ये बोल सकते हैं कि जब आप कोई आदमी स्कूबा जिससे बात करें, कोई स्कूबा ड्राइवर्स जो होता है वो क्या करता है, जब पानी के अंदर जाता है, ठीक, अब बता दे पानी जैसे मान लीजिए क्या है, ये समुद्र है इस तरह से, ठीक, ये उसका क्या है, ऊपर वाला लेयर है, ये क्या नीचे वाला लेयर, तो नीचे वाले लेयर में क्या होता है, गैस ज़्यादा घुला होता है, मतलब गैस ज़्यादा मिक्स होता है, गैस मोर सोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, नीचे मतलब कि पानी के नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर हाई होता है, तो वहाँ पे गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगा, राइट। तो जब स्कूबा डाइवर जब नीचे जाता है तो उसको क्या होता है ना, कि जब नीचे जाता है तो उसके जो हाथ में जो पोर्स होते हैं, मतलब कि हाथ में पैर में इस समय जो पोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें गैस क्या करने जाता है, गैस बॉडी के अंदर जाने लगता है, राइट। और जब वो बाहर निकलता है तो वही गैस जो आपका होता है, समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, सुना, तो वही गैस जो गैस होता है, वही आपके जो पोर्स होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी के, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो पोर्स होते हैं, उससे क्या होता है आपका गैस बबल्स के रूप में बाहर निकलते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल ये हो गया। तीसरा देख सकते हैं आप क्या, जब आप जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब जब कोई पहाड़ पर तो गए नहीं होंगे आप लोग, ठीक ना, गए नहीं होंगे, उसमें क्या होता है, जब हम लोग जाते हैं इस तरह से मान लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गए, तो यहाँ पे क्या, हमको पता है जितना ऊपर जाते हैं उतना हमको क्या, वहाँ पे उतना एयर कम होगा, मतलब वहाँ पे प्रेशर उतना कम होगा, राइट, उतना प्रेशर कम होगा तो उतना हमको अच्छा से क्या होगा, एयर नहीं मिलता है तो हम लोग के शरीर में जो होता है ना, बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन कमी होने लगती है। इसे जानते हैं क्या होता है, इसे आपका होता है मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, राइट, जिसको एक और नाम बोला जाता है एनोक्सिया, ये होने लगता है, ठीक। जैसे आप देखे होंगे कि नोज से ब्लीडिंग देना, ठीक ना, पेन का जो इंक होता है वो इंक क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वो सब इसी कारण से होता है, क्या उसको ऑक्सीजन कम मिलता है, वही क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और हाँ, इसमें जो होता है ना, इसमें सेकंड वाले में आप देख सकते हैं, इसमें जो होता है, इसमें आप एक ध्यान रखिएगा कि जब उसको बाहर निकलता है ना, उसके बॉडी से क्या निकलता है, गैस बाहर निकलता है, उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका हेल्थ खराब हो सकता है, क्या हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकता है, ठीक ना। हालांकि जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है कि गैस बाहर निकलता है तो उससे क्या होता है आपका हेल्थ कंडीशन क्या करता है आपका ख़राब हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बेंड्स बोलते हैं, मतलब सिंपल सा बोले कि जब हम पानी में गए उससे बाहर निकले तो हम लोग के बॉडी के होल से पोर से क्या होता है गैस बाहर निकलता है, ठीक। तो पहले क्या था, पहले नॉर्मल था, फिर अंदर गए, फिर गैस एक्स्ट्रा हो गया, फिर बाहर निकले तो फिर क्या हो, गैस निकलने लगा,
ये क्या हो गया, एक तरह से डिसऑर्डर हो गया गैस का। तो वही क्या होता है, मतलब हम लोग का शरीर उसको ना कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इससे क्या होता है, हम लोग का हेल्थ क्या होता है, कंडीशन ख़राब हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड्स नाम दिया गया। ठीक, और जो काफ़ी क्या होता है, काफ़ी आपका डेंजरस होता है। क्या होता है, डेंजरस एंड पेनफुल होता है। कैसा होता है, पेनफुल होता है। अभी सबको ध्यान रख सकते हैं, बस आपको ये सब ध्यान रखना है। कहानी की तरह अच्छा लगा होगा सुनने में, हमको पता है, हम भी जब पढ़ रहे थे तो उससे हमको भी अच्छा लगा था सुनने में, अच्छा भी लगता है क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज मिलता है इससे। ठीक, कैसे क्या होता है, ताकि जब भी कोई जूनियर मेरे सामने आए तो उसको हम लोग समझा सकें। ये तो हो गया, तो ये आपका हेनरी लॉ ख़त्म हो गया, ये आपका हेनरी लॉ ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन का, इस पर बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन, हालांकि वीडियो का लेंथ लेंदी हो रहा है, तो हम क्वेश्चन एक ही डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छा डिस्कस करेंगे, राइट। और जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन, एक मिनट, मेरे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। ठीक, समझ में आया, इज नॉट करेक्ट। तो आपको बता दें यहाँ पे हेनरी लॉ में बोल रहा है क्या, नॉट करेक्ट कौन होगा। तो पहला क्या आपका बोल रहा है क्या, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट, एक काम कीजिए, पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से बनाइए। ये आपका जेई का 2019 का क्वेश्चन है, हाँ वही उठाया है, जान से आसान क्वेश्चन था, हालांकि अब तो आसान क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है आपसे, ठीक ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया, तो बताना है इसमें क्या, ये बताइए आप इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आप तो जल्द ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ट्राई कर लिए, चलिए अब हम बताते हैं। बोला डिफरेंट गैस आर डिफरेंट केच वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, भी हम डिस्कस किए, ये तो सही ऑप्शन है। बोला द वैल्यू ऑफ केच इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड केच द वैल्यू ऑफ केच इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक, एंड केच इज द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। आपको बता दें कि सेम टेम्परेचर पर उसका वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे बताए थे आपको, देख सकते हैं सेम टेम्परेचर वैल्यू इसका क्या है, डिफरेंट है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करता है, इसका जो केच वैल्यू होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ध्यान रखना है आपको, जो केच इंक्रीज कब करेगा, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और केच पता है क्या होता है, फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ठीक, ये हो गया। तीसरा बोल रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। ये तो आपका हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बचा कौन, डी इज द, मतलब कि कहने मतलब एक तरह से इसके अनुसार, हालांकि ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फोर ऑप्शन हो जाएगा, फोर। ये तीनों सही है। क्या हायर द वैल्यू ऑफ केच एट गिवन प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी, नहीं जी, अभी हम बात किए थे ना, केच इंटू एक्स, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, के एच एक्स हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो लोअर होगा ना, हायर कहाँ से होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन सीरीज के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स को ही बोलिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।